हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडमिशन प्रोसेस ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिवर्सिटी हाईलाइट्स, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाईलाइट्स। तो ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटीज़। और कैंपस की बात करें तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में सिचुएटेड है। और कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस साइज इसका 2300 एकड़ है। और ये जो है यूजीसी से एफिलिएटेड है। ऑफिशियल साइट की बात करें तो ऑफिशियल साइट बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोर्सेज। तो यहाँ पे बेसिकली जो कोर्सेज हैं, आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, पीजी कोर्सेज आपको मिल जाती है और एमफिल कोर्सेज मिल जाते हैं, एमटेक कोर्सेज मिल जाते हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को नहीं बात करने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा, तभी आप केयरफुली समझ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज में क्या क्या है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एमएससी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमटेक है इन कंप्यूटर साइंस, एमए है 5 ईयर का ह्यूमैनिटीज़ में और एमए है 5 ईयर का सोशल साइंस में। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्सेज इतने हैं आपके, 4 हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाके विजिट करना चाहिए। पीजी कोर्सेज की बात करें तो पीजी कोर्सेज में आपको एमएससी मिल जाते हैं, एमएससी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। एमए आप ले सकते हो, एमबीए भी है, एमपीए भी है, एमएफए भी है और इसके अलावा एमफिल, एमटेक और पीएचडी। ठीक है, ये कोर्सेज आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे क्या है, जितने भी कोर्सेज हैं सारे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो मैं इस पीपीटी में उसको आई थिंक उसको कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा। तो आप जाके प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस 2021। यहाँ पे कोई भी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस है इसका इंट्रेंस होता है, खुद का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। बट कुछ कोर्सेज के लिए ये कैट और जेई मेन का जो स्कोर है उसको भी कंसिडर करती है। तो बेसिकली इसका मेन है, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जो है आपका इंट्रेंस कंडक्ट होता है, अभी इसका फॉर्म ऑफ आउट नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं जो आपका लास्ट है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म जून में रिलीज हो सकता है। ये जो भी डेट है टेंटेटिव डेट है, आपका जो एडमिट कार्ड है या फिर कह सकते हैं हॉल टिकट्स है, अगस्त में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपका जो इंट्रेंस है वो सेप्टेम्बर 2021 में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहें।